तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी के रूप में बदल दिया गया है। तीन मूर्ति भवन में संग्रहालय का नामकरण उसी इमारत के परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन के लगभग एक साल बाद हुआ है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक घर के रूप में कार्य करता था। तीन मूर्ति हाउस, जिसे पहले फ्लैगस्टाफ हाउस के नाम से जाना जाता था, नई दिल्ली में एक इमारत और पूर्व निवास है। ये ब्रिटिश राज द्वारा बनाया गया था और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान बना, जो 27 मई 1964 को अपनी मृत्यु तक 16 साल तक वहां रहे। इसे कनॉट प्लेस के ब्रिटिश वास्तुकार रॉबर्ट और रसेल द्वारा डिजाइन किया गया था और ब्रिटिश राज के दौरान जनपद पर पूर्वी और पश्चिमी न्यायालयों का। तीन मूर्ति भवन 1930 में ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के निवास के रूप में भारत की नई शाही राजधानी नई दिल्ली के हिस्से के रूप में बनाया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आवास को एक संग्रहालय में बदल दिया। आज तीन मूर्ति में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय NMML सहित विभिन्न संस्थान है, जो भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, और प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के प्रधानमंत्रियों को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक और संग्रहालय है। परिसर में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड का कार्यालय भी है, जिसकी स्थापना 1964 में भारत के राष्ट्रपति S. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी। तीन मूर्ति भवन में इंग्लैंड, नेपाल, सोमालिया, चीन और अन्य सहित विभिन्न देशों के कई स्मृति चिन्ह भी शामिल है। प्रत्येक स्मृति चिन्ह प्रत्येक राष्ट्र के एक उल्लेखनीय संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है। फाउंडेशन 1968 में स्थापित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फेलोशिप भी प्रदान करता है। इसके अलावा परिसर के भीतर समकालीन अध्ययन केंद्र और नेहरू तारामंडल है, जो 1984 में खोले गए थे। घर का नाम ब्रिटिश मूर्तिकार लियोनार्ड जेनिंग्स द्वारा तीन मूर्ति शाब्दिक रूप से तीन मूर्तियां स्मारक के नाम पर रखा गया है, जो अपने व्यापक मैदानों के सामने सड़क जंक्शन पर खड़ा है। स्मारक में तीन सैनिकों की आदमकद प्रतिमाएं हैं और 1922 में तीन भारतीय रियासतों के नाम पर भारतीय रेजिमेंट की याद में बनाया गया था, जहां से उन्हें उठाया गया था, अर्थात जोधपुर राज्य का जोधपुर घोड़ा, हैदराबाद राज्य का हैदराबाद घोड़ा और मैसूर राज्य का मैसूर घोड़ा, जिसने हाइफा में ब्रिटिश 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड के साथ प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, जो उस समय ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। जबकि जोधपुर और मैसूर के सैनिकों ने वास्तविक युद्ध में मैदान में उतरे थे, हैदराबाद के सैनिकों को संचार चैनलों को बनाए रखने और घायलों की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। मेजर दलपत सिंह शेखावत के नेतृत्व में जोधपुर के सैनिक सबसे आगे थे और उन्होंने मैसूर और हैदराबाद की सेना की मदद से हाइफा युद्ध जीता। हाइफा में लड़ते हुए मेजर शेखावत शहीद हो गए। उन्हें हाइफा के हीरो के रूप में जाना जाता है। 1911 में ब्रिटिश भारत की शीतकालीन राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। शेष औपनिवेशिक शासन के लिए शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी रही। नई दिल्ली में शाही परिसर के निर्माण की धीमी दशकों लंबी प्रक्रिया उसके तुरंत बाद शुरू हुई। 1930 में फ्लैगस्टाफ हाउस के रूप में उद्घाटन किया गया। ये भवन भारत में सेना के कमांडर इन चीफ का शीतकालीन मुख्यालय और निवास था, जिन्होंने औपनिवेशिक भारतीय सेना, ब्रिटिश सेना और रियासतों की सेनाओं की एकीकृत कमान बनाए रखी थी। जिस सड़क पर यह खड़ा था उसका नाम 1885 और 1893 के बीच 7 वर्षों से अधिक समय तक कमांडर इन चीफ फ्रेडरिक रॉबर्ट्स, प्रथम अर्ल रॉबर्ट्स के नाम पर रखा गया था। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के बाद घर साल भर प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास और कार्यक्षेत्र बन गया और फील्ड मार्शल और चिनलेक को स्थानांतरित कर दिया गया। मई 1964 में कार्यालय में जवाहरलाल की नेहरू की मृत्यु के बाद घर को एक राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया, जिसमें एक पुस्तकालय और एक संग्रहालय शामिल था। आज नेहरू संग्रहालय के भूतल के एक कमरे में विदेश मंत्रालय में उनके साउथ ब्लॉक कार्यालय को उसी फर्नीचर और उनके द्वारा उपयोग किए गए अन्य लेखों के साथ साथ कई स्मृति चिन्ह, वस्तुओं और पांडुलिपियों के साथ पुनर्निर्मित किया गया है। परिसर में नवंबर 1964 में स्थापित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड का मुख्यालय, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप भी है।
नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए बेहतरीन लाइब्रेरी में से एक है। 1966 में शुरू हुआ, यह मुख्य भवन से ही काम करता था, जब तक कि 1974 में जटिल मैदान के भीतर इसकी वर्तमान इमारत का उद्घाटन नहीं हो गया। 30 एकड़ की संपत्ति में स्थित इमारत सफेद पत्थर और प्लास्टर से निर्मित है और वायसराय हाउस के दक्षिण की ओर है, जिसे स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है। इसमें धनुषाकार प्रवेश द्वार, धसी हुई खिड़की है और पहली मंजिल में इमारत के पीछे एक स्तंभित बरामदा है जो लॉन को देखता है। भारत के चार नेहरू तारामंडलों में से एक 3 मूर्ति हाउस मैदान में भी स्थित है। इसका उद्घाटन 6 फरवरी 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री और नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तारामंडल के स्काई थिएटर का उपयोग स्क्रीनिंग शो और एक गैलरी के रूप में किया जाता है। 4 रुपये के नवीकरण के बाद सितंबर 2010 में तारामंडल को फिर से खोल दिया गया था। 11 करोड़ 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले और क्वींस बैटन प्राप्त किया। अब इसमें डेफिनिटी ऑप्टिकल स्टार प्रोजेक्टर मेगा स्टार है जो 2 मिलियन सितारों को दिखा सकता है। भवन परिसर के भीतर नेहरू तारामंडल के करीब शिकारगाह है, जिसे कुश्क महल के नाम से भी जाना जाता है, जो दिल्ली सल्तनत के 14वीं शताब्दी के शासक फिरोज शाह तुगलक आर 1351-1388 ईस्वी का शिकार लॉज है। सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जाने वाले मलबे की चिनाई के एक उच्च मंच पर निर्मित निकट वर्ग संरचना में 3 खुले खंड होते हैं, जिनमें मेहराब होते हैं। प्रत्येक खाड़ी को आगे 3 दिब्बों में विभाजित किया जाता है। फिरोज शाह का किला फिरोज शाह कोटला दूर यमुना नदी के तट पर स्थित था। हालांकि दिल्ली का 1912 का नक्शा इसके पास यमुना की ओर बहने वाली एक धारा को दर्शाता है। स्मारक आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, ASI, और पास के कुश्क रोड का नाम इसके नाम पर रखा गया है।